तो ये पलारी का मेन मार्केट पहुंच गए हम लोग। बहुत एक्सरसाइज कर रहा है देखो। अरे तो पानी ग्रहण करने के लिए हम लोग रुके हैं और बताने सोलो भी बड़ी जल्द कम चैनल ब्लॉगर बॉय। और आज भी हम लोग जा रहे हैं रायपुर कार में अल्टो, और टोटल पाँच हैं हम लोग, भैया एक और भैया और ये दोनों बंगाड़ बिल्ले और मैं। तो आज बहुत सारा काम है क्योंकि शनिवार को अर्जुनी वगैरह बंद रहते, तो बहुत सारा काम पकड़ के मोपर से कुछ काम अर्जुनी से स्टूडियो से उठा उठा के सब इकट्ठा करके हम लोग रायपुर जा रहे हैं। बढ़िया, तो हम लोग अभी बलौदा बाजार पहुँच चुके हैं। बलौदा बाजार जो कि हमारे एरिया का सबसे बड़ा सिटी है। तो ये पलारी का मेन मार्केट पहुँच गए हम लोग। ये देखिए इधर से अपना जो गाँव जाते हैं और इधर से जाते हैं बालसर। तो अभी हम लोग सारा गांव में रुके हैं इडली खाने के लिए। मैं और भैया इडली खा रहे हैं और ये छोटा है, छोटा जो समोसा खा रहे हैं। तो अभी हम लोग खाना वाना खा लिए बढ़िया, और होटल का नाम है गुजरात चाय नाश्ता। अंदर में और है गुजरात नमकीन और स्वीट्स वगैरह करके, इडली मेंदू वड़ा डोसा सब चीज़ मिलता है यहाँ पे। खाना नहीं क्या आंगनबाड़ी दोनों को ही खाऊ ना। बढ़िया, तो सभी लोग का खाना पीना हो गया बढ़िया, और पानी भी स्टार्ट हो गया। बारिश देखिए पूरे यहाँ पे पड़ रहा है बढ़िया, एकदम वॉल पे पटी पर दिख रहा है। और क्या क्या खाए भी आप लोग? मैं इडली खाया हूँ भाई, मस्त दबा के। ये भैया इडली खाए, आप भैया? सांबर बड़ा खाया थोड़ा। मैं भी सांबर बड़ा। मैं समोसा। और मैं इडली खाया। तो खाने पीने का काम तो हो गया, घर से खा के आया था यार, और यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया लग रहा है। तो सीधा चलते हैं रायपुर फिर। Blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them if you're coming for me. So finally हम लोग रायपुर पहुंच चुके हैं पांचों, और अभी सबसे पहले इप्सन का काम करवाएंगे। इप्सन का क्या चीज है? अभी हेड चेंज होगा, सर्विस सेंटर जा रहे हैं अपन इप्सन का। पहले इप्सन का सर्विस सेंटर जाएंगे, वहां जाने के बाद मिलेंगे क्योंकि यहां कचर बहुत हो रहा है, तो सीधे वहीं जाने के बाद मिलते हैं। तो पहला काम हम लोग का स्टार्ट हो गया इप्सन में। इप्सन में जो प्रॉब्लम आया था ना उसके हेड में, वो वाला काम चालू हो गया है। तो इप्सन का काम जो है अभी चालू हो गया है। हेड वाला प्रॉब्लम था, इंक वाला प्रॉब्लम था, तो ये काम कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्टिकर वाला काम करवाना है, सीपीयू वाला काम करवाना है, लेंस वाला काम करवाना है, बहुत सारा काम है। तो पहले धीरे धीरे करते हैं यार, कंप्लीट जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हम लोगों ने कैनन का लेंस वगैरह 50mm का लेंस ले लिया है, और इप्सन वगैरह का काम जो है पूरा छोड़ दिया, कलर वगैरह सब ले लिए हैं। उसके बाद अभी आए हैं सब ये फ्रेम वगैरह लेने के लिए। फ़ोटो में जो लगता है ना फ्रेम 8x12x6x4x6 का, उसका फ्रेम लेने के लिए आए हैं। फिर यहाँ का काम कम्प्लीट करेंगे और जाएंगे सीधे एक और आदमी से मिलना है। तो भाई साहब टाइम हो गया 2:10, और फ्रेमिंग वाला काम बचा है, लेंस वाला वगैरह वगैरह हो गया, और जो भैया दिख रहा है लास्ट में उनका प्रिंटर। उसके बाद सबसे लास्ट काम है सीपीयू लेने का, उतना कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे घर। तो अभी क्या 2:10 हो गया लंच का टाइम, कुछ मंग रहा है इधर पीछे नीचे। हालत बैंड हो चुका है भाई, हालत ख़राब, हालत पस्त, चेहरा पूरा एकदम ऑयली ऑयली फ्रेश, और मौसम भी थोड़ा अलग लग रहा है, मौसम बेईमान हो गया है। तो और बहुत दर्द कर रहा है भाई, इतना रेंग रेंग के पूरा पागल हो गए हम लोग। चल चल के भाई रेंग रेंग के। अरे तो जुड़े रहिए, बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है अभी। वो बहुत एक्सरसाइज कर रहा है देखो। अरे तो अभी हम लोग रुके हैं रायपुर से थोड़ा आउटर एरिया में, और भैया कुछ बोलेंगे। अभी पानी ग्रहण का समय हो चुका है, और गोधली वेला में जो पानी ग्रहण करने के लिए हम लोग रुके हैं। और उसके साथ
भैया यहाँ। तो भैया आज से नया डायलॉग कि पानी ग्रहण का टाइम हो गया है अभी। बज के 40 मिनट और हम लोग आ गए हैं सारा गांव के ढाबा में चिकन उकन खाने के लिए। तो यहां से खाएंगे वाएंगे, लास्ट डेस्टिनेशन है अपना, उसके बाद घर जाएंगे यार। बढ़िया, तो यहां का वार्तालाप थोड़ा गौर कीजिएगा बढ़िया, क्योंकि पानी ग्रहण का टाइम हो गया है। पानी वानी ग्रहण करने के बाद जो वार्तालाप निकलेगा वो मध्यान्ह भोजन। अच्छा भैया एक क्वेश्चन, ये छत्तीसगढ़ के जो स्टेडियम है उसके बारे में कुछ बताओ ना, वहाँ वहाँ क्रिकेट क्यों नहीं होता अभी? वहाँ अपन क्रिकेट हुआ था, क्रिकेट कराया था वहाँ। हाँ। दो मैच IPL का हुआ था, जो मैं वहाँ जाके मैच देखा था, मैं IPL मैच पूरा देखा हूँ। बहुत लोग मज़ा भी आया स्टेडियम, मतलब ईडन गार्डन जैसे लगा है, लेकिन वो नाम का ईडन गार्डन रखा है ऐसा मेरे को लगता है, जैसे न्यूज़ आया था। और मैच इसलिए नहीं हो पा रहा है अभी लगातार 2-3 IPL नहीं हो रहा है, आगे भी मुश्किल है होना, क्योंकि पहले जो मैच कराए थे, दो मैच हुआ था ना, उसमें लागत बहुत आ गया था, मतलब मैदान में पानी में ही लागत इतना मतलब हो गया था कि पानी की पूर्ति नहीं हो पाया था। और अंत में जब बैठक हुआ ना, पूरा मैच वैच खत्म होने के बाद, कि कितना प्रॉफिट कितना नुकसान वाली जब बात आया ना, तो मैं सुना वहाँ बताने में क्योंकि कार्ड फिट के उसमें 100 रुपये प्राप्त हुआ है। ऐसा मैं सुना हूँ, सिर्फ 100 रुपए। वो 100 रुपया किसको देता है? वो मेरे साथ काट फिट के है भाई, मतलब लेबर वेबर पेमेंट किया है ये सब उसका, वो ऐसे काटते हैं मैदान के नीचे का जो रहता है ना, घास वास घास फूस सब काटने के बाद 100 रुपये प्राप्त हुआ है। इस वजह से दिक्कत आ गई कि 100 रुपये में हमारा छत्तीसगढ़ से चल नहीं पाएगा, सही बात है। इस वजह से भी रोक दिए हैं, बजट को देखते हुए फिर उधर से अपन देखेंगे उसको। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको हुआ है उसमें? चोरा लोगों को हुआ है, जो टिकट का ब्लैक मार्केटिंग करता था, जैसे मैं 2400-2700 में लेकर वहाँ गया हूँ, पानी की बॉटल में ऐसा बोरिंग वाला ऐसा भर के मेरे को ऐसा फेंकता था ना, तो मैं ऐसा कैच लेता था ना, 50 रुपये का नोट देता था। और समोसा में 2 समोसा 60 रुपये में लिया था, ऐसा टाइप का वहाँ हुआ है। प्रॉफिट तो उनको हुआ है मैचों ने, सो तो अभी भी अगरबत्ती चला रहे हैं सुबह से, कब IPL हो ऐसा बोल। बाकी मैं बाद में बताऊंगा दीपक। ठीक, सो फाइनली हम लोग का खाना पीना कंप्लीट हो गया है और सब अपने अपने बात में बिजी है, तो खाना पीना तो हो गया यार कंप्लीट यार, अब यहाँ से जाने का कार्यक्रम बनाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं यार ये व्लॉग, क्योंकि रायपुर जाना वाना हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।